गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये बनी के साथ गुड मॉर्निंग हो गई है बेटू की। ये लिटरली बनी को मुंह में खिलाता है, जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं ना। मैं बेटे को खिलाती हूँ और वो बनी को मुंह में खिलाता है, वो देखिए पकड़ता है। और बनी ना उससे बिल्कुल वो है। गुड मॉर्निंग बोल दे बेटू बनी को। और बेटू को जब तक वो खिलाने लगा ना दिन में दो तीन बार, तब तक उसका मन नहीं करता है। और किसी को ले जाने भी बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर कोई मजाक में बोल दो ना बनी को मैं ले जा रहा हूँ, तो फिर वो रोना शुरू कर देता है। होता है इंसान और जानवरों का ये रिलेशन सबसे सबसे सुंदर होता है। ये देख के आपको सबको समझ में तो आ ही गया होगा कि फिर पोहा बनने जा रहा है। एक्चुअली मॉर्निंग के टाइम में इजीएस्ट नाश्ता और हेल्दीएस्ट मुझे पोहा ही लगता है अपने लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बनाऊँ, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है उस दिन मुझे और जल्दी उठना पड़ता है। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें थोड़ी सी राई, और राई के चटक जाने के बाद बस हम ये प्याज टमाटर और मिर्चा ऐड कर देंगे। एंड देन दो मिनट के बाद, कई लोग सोचेंगे कि मूंगफली मैं नहीं फ्राई करके डालती हूँ, एक्चुअली मैं जो मिक्सचर होता है ना वो ऐड कर लेती हूँ लास्ट में, तो उसमें मूंगफली और जो है वो स्पाइसेस हो जाते हैं, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा मूंगफली ऐड करना पसंद नहीं करती हूँ अपने पोहे में। अगर मुझे बना के देना होता है तो मैं डेफिनेटली ऐड करूँ। अभी चटक गया है तो इसको हम डाल देंगे प्याज। साथ ही साथ हम डाल देंगे टमाटर। बेटू नो नो, बस इसी स्टेज पे हम पोहा ऐड कर देंगे। इसमें नमक और हल्दी ऐड कर, नमक ऐड कर देते हैं। अब बस अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। इसी स्टेज पे हम गैस बंद करके नींबू और हल्का सा चीनी ऐड कर देंगे। बस हम इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा चीनी ऐड, थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे और हमारा पोहा बनके तैयार है। अब बस मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं दिन का ब्लॉग। चलिए बनाते हैं आज स्टार फूल की चाय। एक्चुअली ये मैंने कल ही ट्राई किया था और मुझे ना ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है, और मुझे पता है शायद आप लोग ये पी भी चुके होंगे या फिर ट्राई किए होंगे।
पहले डालते हैं थोड़ी सी चाय पत्ती और साथ ही जो स्टार फूल होता है वो एक्चुअली ये होता है, ये आई गेस शायद बिरयानी में पड़ता है, मैं इसको स्टार फूल बोलती हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग इसे क्या बोलते हैं। ये बस एक डाल देना है और इसको अच्छे से खोलाना है, जब ये अच्छे से खोल जाएगी तब हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। ये अच्छे से खोल चुका है, हम इसमें डाल देंगे दूध और फिर इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। फाइनली नाश्ता बनके तैयार है, चाय और पोहे। आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। हेलो एवरीवन, दोपहर के टाइम आप लोग का स्वागत है और दाल जो है वो बन चुकी है। अभी जो है मैं ये सीम, बैंगन, आलू की मिक्स भुजिया बनाने वाली हूँ जो कि बहुत फेमस है बिहार साइड। और ये मैंने तड़के के लिए लिया है, इसमें थोड़े से राई के दाने हैं, थोड़ा जीरा है और इसमें हींग भी है और साथ में मेथी दाना है और थोड़ी सी कलौंजी है। ये तड़का बहुत मस्त है, इसी से फ्लेवर आता है। साथ में प्याज है, टमाटर है और इसमें जो है वो पिसा हुआ लहसुन है। मिर्चा मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि छोटा बेबी है तो वो नहीं खा पाता है और उसको मैं सारी सब्जियाँ खिलाती हूँ। तेल हमने डाल दिया, ये तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे अपनी तड़का। पंचफोरन बेसिकली डालते हैं लेकिन एक्चुअली मैं पंचफोरन में इसमें ही वो सौंफ मिसिंग है क्योंकि सौंफ मेरे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। तो जैसे ये एक बार कड़क जाएगा तड़का देन हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि प्याज जो है वो फ्राई होगा देन हम उसमें और सब्जियां ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें सीम, बैंगन और आलू जो हमने कट किए हैं वो मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ इसको चला देंगे अच्छे से। हम इसको एटलीस्ट 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ लहसुन। लहसुन मस्त है क्योंकि बैंगन और सीम की सब्ज़ी में लहसुन से ही फ्लेवर आता है। ये मैंने पिसा हुआ लहसुन मिक्स कर दिया है और साथ ही साथ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे कटोरे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप टमाटर ले सकते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा खट्टा करना चाहते हैं तो ज़्यादा टमाटर ले सकते हैं लेकिन मुझे एक इनफ है क्योंकि बड़े साइज का टमाटर है। अब हम इसको कंटिन्यूसली 1 मिनट तक भूनेंगे देन इसमें नमक, हल्दी ऐड कर देंगे। 1 मिनट हो गए हैं, हम इसमें अब नमक ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। ये
सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, हम इसको बंद कर देंगे। मैंने आँच को एकदम सिम कर दिया है और इसको एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट्स पे बस चला देंगे, 5 मिनट पे चला देंगे और ये आराम से 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। और इधर मैंने राइस चढ़ा दिया है, दाल ऑलरेडी बन चुकी है और अब थोड़ा सा मैं और घर के काम देख लेती हूँ और हनी बनी को खाना भी देना है वो भी दे देती हूँ, फिर मैं आपसे उठती हूँ। फाइनली ये मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, बस आप ऊपर से थोड़ा सा धनिया कर देंगे और ये आपकी सब्जी बन के तैयार है। आप गैस को बंद कर दीजिए और इधर राइस भी हो गया है तो बस अब थोड़ी देर में खाना खाने का टाइम हो जाएगा, तो आप भी आइए, आप भी अब खाना इन्जॉय करिए। And please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Hi, कर दो सबको। Hi. Hello. Hello. कैसे हैं आप? बोलो कैसे? करते हैं? हैं? आप? सब तब मैं गुड बॉय बाय 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 करो बाय थैंक यू सो मच।